जो अब थोड़ी देर पहले भाई साहब एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला वो है अभी या नहीं है? यस स्टिल एग्जिस्ट कर रहे थे वी कर आपका नाम प्लीज। नाम शोर अब्दुल कदीर। हाँ अब्दुल कदीर, ठीक है, सही है, गुड। यार क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रही है तो इसलिए नाम सही से इंट्रोडक्शन नहीं ले पाया मैं आप लोगों का। चले कदीर, अच्छा तो लेट मी आंसर यू इन शॉर्ट के आपकी जो पहली बात तो ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना किसी भी रैंडम वेरिएबल का, वो 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 बात, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि आपके पास एक बहुत ही, लेकिन उस तरफ मुझे लेके नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको वैसे ही मैं रेफरेंस के तौर पर दे रहा हूँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है आपके पास, जो कि कहता है कि अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है ना, कोई डेटा है आपके पास, तो इन लॉन्ग रन आपका जो वो जो भी रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी उसका जो मेन डेटा है वो सेंटर पर लाए करेगा। तो इस केस में जब जो हमारे रैंडम वेरिएबल हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें सेंटर कहाँ पर आ रहा है? 3 पर ना, तो आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इसके करीब करीब रहेगा, ठीक है ना। बाकी केसेस में भी तकरीबन आप देखेंगे कि आपका जो एवरेज है वो सेंटर के करीब रहेगा इधर। और दूसरी बात ये कि ये हमारा डिस्क्रीट का केस है, तो इसके अंदर हम ज्यादा नहीं इन हो रहे इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होना है वो होना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। लेकिन टाइम मिला तो इसके ऊपर फिर से, जहाँ जरूरत पड़ी कहीं पर तो फिर हम इस डिस्क्रीट में चले जाएंगे दोबारा से, लेकिन अभी आ जाते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के पास। तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो आपका वैल्यू लेता है टेक्स वैल्यूज इन इंटरवल और कलेक्शन और यूनियन ऑफ इंटरवल्स के अंदर। जिस तरह से हमने एग्जांपल लिए कि आपके पास अगर आप सैलरीज की बात कर रहे हैं तो एक्स आपका जो है वो 25,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकता है, इसमें से कोई एक वैल्यू ले सकता है कंटिन्यूसली। और अगर हम वेट की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि 47 से लेकर आपका रेंडम वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है 85 के बीच में बिटवीन। हमने जब टेम्परेचर की बात की तो हमने कहा कि हमारा जो टेम्परेचर है, जैसे हमने सखर के अंदर उसकी बात कर रहे थे, तो उस केस में हमारा रेंडम जो वेरिएबल है आउटकम है वो हमारा हो सकता है आपका 3 से लेकर लेट से फॉर एग्जाम्पल 55 तक, या 8 से लेकर जो भी है आपके पास। या हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेट से 5 से लेकर 10 फीट तक हो सकती है किसी पर्टिकुलर जगह पर, मतलब किसी बंदों की आप बात कर रहे हैं हाइट की किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो ये वो रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि आपके वैल्यूज पिक कर रहे होंगे कंटिन्यूसली, यानी कि 47 से लेकर 85 के बिटवीन कहाँ पर भी ये आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकता है, 25,000 से लेकर 5 लाख तक इनके बिटवीन कहीं पर भी ये वैल्यू ले सकता है। जिस तरह हमने देखा कि डिस्क्रीट के केस में हमारे पास एक एक्स था तो उसके लिए एक कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सम एक्स आई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इस केस में उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर
स्क्वायर रूट टू पाए सिग्मा ई टू द माइनस वन ओवर एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर. देन वी कॉल दैट रैंडम वेरिएबल एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. अगर आपके पास कोई रेंडम वेरिएबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो आपका ये वाला है, इस तरह से है, तो उसको आप कहेंगे कि ये आपका रेंडम वेरिएबल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी जो मीन है वो म्यू के बराबर है, और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा के बराबर है. ठीक है. अच्छा, और हम लिखते हैं कि अगर कोई एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको लोग इस तरह से लिखते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, या वेरियंस सिग्मा स्क्वायर होगी उसकी. ठीक है. और इसका जो फंक्शन होगा आपके पास वो ये वाला होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो जिस तरह से हमने ये लिखा है टू पाए सिग्मा इंटू माइनस वन ओवर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर सिग्मा. अच्छा, अगर कोई आपके पास कोई डेटा है जिसका मीन है ये 0.5 और लेट्स से सिग्मा है 0.1, चले 5 कर देता हूँ मीन, 0.1 सिग्मा कर देते हैं, तो उस केस में आपकी वो जो रेंडम वेरिएबल है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा जो डेंसिटी वो हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाए इंटू 0.1 ई पावर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस म्यू यानी 5 डिवाइड बाय 0.1 होल स्क्वायर. अगर आपके पास कोई एक्स है जिसकी मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे, जैसे जैसे आप म्यू और सिग्मा को बढ़ाते रहेंगे या चेंज करते रहेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी चेंज होते रहेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यू रखते हैं 10 और आप सिग्मा लेते हैं वही लेट्स से 0.5 फॉर एग्जांपल, तो आपका इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा वो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर 2 पाए इंटू 0.5 e to the minus 1 over x minus 10 divided by 0.5 whole square. सही है. तो आपका जो रेंडम वेरिएबल है अगर कंटिन्यूस और उसका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो उसको आप कहेंगे कि ये आपका जो रेंडम वेरिएबल है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. और इसको बहुत सारी जगहों पर आप यूज़ करते हैं, आपका जो रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल, बहुत सारी जगहों पर इनको यूज़ किया जाता है. समटाइम्स मे भी आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन आप उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. आगे चलकर हम उनके एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ डेटा के अंदर. इसको हाइट्स वेट ऑफ पीपल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, टेस्ट स्कोर्स के अंदर, साइंटिफिक मेजरमेंट्स के अंदर, और रेनफॉल वगैरह जैसी सिचुएशंस में हम आगे चलेंगे तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे. और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके वैसे टेबल्स बने पड़े हैं, आपको इंटीग्रेशन वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जेड स्कोर वगैरह आप वहाँ से फाइंड कर लेंगे. तो इसके ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप जब भी आपका कोई रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको आप ऐसे लिखेंगे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. ठीक. चले, अब आ जाते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम लोग. और अगर यहाँ पर समटाइम्स पैरामीटर्स की जगह ये सिग्मा स्क्वायर होता है तो आप ये कह रहे हैं कि आपका एक्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर. तो बहुत लाइक वेरियांस ही आप यूज करेंगे, मीन एंड वेरियांस. लाइक आप जब भी आप ये देख रहे हैं कि आपका कोई रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन
म्यू और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, या कहीं पर ये लिखा हुआ है एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद लेट से 50 एंड मे बी 0.5, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स है इसकी मीन जो है वो 50 के बराबर है और इसकी जो सिग्मा स्क्वायर है वो 0.5 के बराबर है। तो इस तरह से आपके पास जो है, जब भी आपके पास ये इस तरह से आएगा, ये आप समझ जाएंगे कि आपका जो रेंडम वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और बहुत सारी जो है ना प्रॉपर्टीज होती हैं, सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। एक अगर ग्राफ करें इसका, तो अगर आप एक्स एक्सिस पर रेंडम वेरिएबल को रखें ये आपका एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर अगर आप वैल्यूज रखते हैं आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये जो मीन वैल्यू है, जैसे यहाँ पर मैंने 50 रखा है, लेट से यहाँ 10 है, 20 है, 30, 40 और 50, 60, 70, 80, 90, लेट से 90, 100, ओके सो ये जो 50 है ना, यहाँ पर जो है ना बहुत सारा डेटा, आपका जो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा, लार्ज वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन लेगी आपकी, वो इस जगह पर होगी आपकी, लाइक दैट। इसका मतलब है कि ये जो रैंडम जो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो बेल शेप्ड होती है, दैट लाइक दैट, ये इसको आप कहते हैं ये आपकी नॉर्मल कर्व है। और ये इसका जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना, लार्जेस्ट वैल्यू अकर्स एट म्यू, यानी कि मीन, जब आप इस फंक्शन के अंदर, जब आप एफ ऑफ एक्स के अंदर, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है 1/√2π σ e^-1/2x μ² / σ, इसके अंदर जब आप x की जगह म्यू पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो ये वैल्यू होगी इस जगह पर जो आ रही होती है, ठीक है। बाकी जो डेटा है वो आपका सिमेट्रिकली है डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक 50% डेटा जो है आपका वो इस साइड है, यहाँ पर है 50% डेटा, मीन की लेफ्ट साइड पे होगा आपका 50% डेटा, और बाकी 50% डेटा आपका मीन की दूसरी साइड पे होगा, लेट्स से दिस साइड, और दोनों साइड पे जो डेटा होगा वो 50% के हिसाब से होगा, यानी मीन पर ज्यादा से ज्यादा होगा और बाकी जो डेटा है आपका वो दूसरी साइड्स पे 50% और 50% के हिसाब से लाए करेगा। अब अगर हम बात करें इन पैरामीटर्स की, फिर से मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को, ये म्यू जो है ये आपका मीन होगा, और ये आपका जो है वेरियंस होगा, ठीक है, डिवाइड करें जी सर। आप ये कह रहे हैं ना कि जो डेटा होगा वो स्प्लिट होगा 50-50%, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा जो मीन और मीडियन है वो दोनों सेम होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, एक ही जगह पर होंगे, इसी जगह पर, हाँ, जहाँ पर ये दोनों टर्म्स यूज होते हैं, मैं मीन यूज कर रहा हूँ कि आप जब आपका एक्स जो है रेंडम वेरिएबल वो मीन के बराबर आप ले रहे होंगे, तो उस वक्त आपके पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है अकरेंस की वो हाईएस्ट होगी, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको हाई वैल्यू देगा, बाकी जो है अकरेंस की जो वैल्यूज है वो दूसरी साइड पे 50% एक साइड पे होगा और 50% दूसरी साइड पे। और ये जो आपके पास नॉर्मल कर्व है ये सिमेट्रिक होती है इस लाइन के अबाउट, यानी ये जो लाइन है ना ये वाली म्यू वाली, इसके अबाउट ये सिमेट्री होती है इसकी, यानी इस साइड भी 50% दूसरी साइड भी। यहाँ पर अगर आप मिरर रखते हैं तो ये आपका उसका इमेज हो जाएगा इस साइड वाला दूसरी साइड पर, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका जो है 50% इस साइड है, 50% इस साइड है, और आपके पास ये सिमेट्रिक है, यानी जिस तरह से इस साइड पे है उसी तरीके से आपके पास दूसरी साइड पे है। और कोई इसमें सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं अगली बात करता हूँ। हाँ, इस तरह मतलब यहाँ पे अगर हम इस साइड पे देखेंगे तो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी,
तो डेटा भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा कुछ इसी टाइप का है। यस, मतलब आप जो आपका फंक्शन है ना, जो उसकी यानी इसको मैं अगर आपको डेसिमोस पर ले जाऊं, लेट मी टेक यू टू डेसिमोस, यहाँ पर तो ये मैंने बनाया हुआ है डिफरेंस के लिए। मतलब आप अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि 0.5 है, ठीक है, और आपके पास मीन लेट से 10 है, तो ये जो है ना ये 10 पर जाकर मैक्सिमम वैल्यू लेगा, बाकी डेटा दोनों साइड पर सेम रहेगा। और अगर आप इस मीन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 5 कर लेते हैं, तो 5 पर आ जाएगा आपका ये लार्जेस्ट वैल्यू, और अगर आप इसको 2 करते हैं तो ये 2 पर आ जाएगा। और दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है और कम करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं 0.5 पर आप देख सकते हैं कि एक आपके पास कर्व है, और अब मैं इसको कम करने जा रहा हूँ, जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इसको और कम करता हूँ तो ये और जो है आपकी लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। और अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, जैसे ये 0.5 था और इसको मैं 0.6 कर रहा हूँ, तो ये आपकी जो कर्व है ये फ्लेटर हो रही है, 7 पर ये और फ्लेट हो रही है, 8 पर और फ्लेट, 9 पर और फ्लेट, और अगर आप इसको 2 पर करते हैं तो ये और फ्लेट हो रही है, नीचे जा रही है, और अगर वाइडर हो रही है, और अगर आप 10 कर देते हैं ये तो बिल्कुल वाइडर हो रही है। तो जितनी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी उसका जो है आपका वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट होगा, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो कर्व है वो फ्लेटर होती जाएगी और वाइडर होती जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम फिर से मैं लिस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पैरामीटर्स जो है वो ये दो है, आर डी पैरामीटर्स, सिग्मा स्क्वायर कर दें तो ये वेरियंस है, आर दी पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन जी जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जस्ट अ सेकंड नाउ। और दूसरा ये है कि ये आपकी जो एक्स है ये आपका सिमेट्रिक होगा अबाउट x इक्वल टू म्यू, जब आपका मीन के बराबर होगा x तब आपकी ये जो है वो आपके पास सिमेट्रिक होगी। और दूसरी बात यह है कि इसके जो टेल्स है ना ये माइनस प्लस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, ये टेल्स, ये इस तरह से डेटा आ रहा है यूं करके ना, तो ये वाला टेल भी इसका जो है माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा और दूसरा टेल इसका प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। दीज आर द टेल्स ऑफ दिस नॉर्मल कर्व, ठीक है ना। और दूसरी बात इसके अंदर है कि अगर आपके पास इफ सिग्मा इज लार्ज देन देन कर्व विल बी फ्लेटर, या आपकी कर्व जो है वो वाइडर भी हो जाएगी और फ्लेटर भी हो जाएगी, वाइडर एंड फ्लेटर, ठीक। और इसके अलावा आपके पास एरिया अंडर द कर्व कितना होगा ये तो बताएं जरा आप लोग। वन होगा, क्यों क्यों हाँ हाँ, ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व जो है ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी को शो करता है, तो एरिया अंडर द कर्व is equal to 1, यानी कि ये जो एरिया टोटल होगा आपका इस कर्व के अंडर आ रहा है, सॉरी सॉरी सर, यानी कि ये आपके पास नॉर्मल कर्व है और इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो आपका उसका एरिया जो है, यानी ये जो एरिया आपका आ रहा है ये एरिया 1 के बराबर होगा। और दूसरी बात यह है कि 50% इस साइड पे एरिया होगा, 50% इस साइड पे एरिया होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिनको हम डिस्कस कर 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 देते हैं यहाँ पर, जैसा कि लेट मी
लेट मी थ्रो सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम बुक. यस यस मैं उसी पर आ रहा हूँ अभी, एक मिनट. अच्छा, अब एक और बात जो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का पता होगा कि अगर आपके पास ये कर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर तो आपको पता है मीन है, ठीक है, और सिग्मा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, ठीक है. आप क्या करते हैं, इस म्यू में जो है वो स्टैंडर्ड ये सिग्मा ऐड कर देते हैं वन टाइम्स, और इस म्यू में से माइनस भी कर देते हैं वन टाइम्स, तो आपके पास एक रीजन बन जाएगा ये वाला, ये रीजन. इस रीजन के अंदर कितना डेटा आएगा? 68%. अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर ये जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ रही है ना, यहाँ पर ये डेटा आपके पास आ जाएगा कितना, 68% आप कह सकते हैं, 68.3 भी कहते हैं लोग. और अगर टू कर दूं इसको मैं, यानी कि यहाँ तक ले जाऊं, म्यू प्लस टू सिग्मा कर दें और म्यू में से फिर माइनस टू सिग्मा कर दें, तो इसमें कितना डेटा लाया करेगा, यानी आप अगर सारे को मैं देखना चाहूँ यहाँ से लेकर. नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये कितना डेटा होगा इस सारे के अंदर? आप 90, यस 95% डेटा इसके अंदर आएगा. और इसके अलावा अगर आप थ्री में जाएं तो थ्री टाइम्स करके अगर आप चेक करें, 5% म्यू माइनस 100% और म्यू प्लस थ्री सिग्मा, तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपके पास 99%. तो इस पूरे के अंदर अगर आप देखेंगे फिर, तो वो आपके पास जो डेटा होगा इस पूरे के अंदर यहाँ तक, ये होगा आपके पास 99% लेट से डेटा इसके अंदर लाया करेगा, ठीक है. दैट्स आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास जो 68 पॉइंट है वैल्यूज है नॉर्मल वेरिएबल के, वो विद इन प्लस आर माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट्स मीन, और 95.4 है या 95 है वो बिटवीन विद इन प्लस आर माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और बाकी 99.7 जो है वो थ्री, यानी ये बेसिकली 95.4 है और 99.7 है. 95.4 है यहाँ पर और यहाँ पर 99.7 है, बेसिकली ये इतना परसेंट है इसके अंदर लाया करेगा, ठीक है. ठीक, इसके अलावा ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इसका एक पर्टिकुलर केस कंसीडर करें, यानी आप अगर म्यू को जो है वो फिक्स कर दें जीरो और सिग्मा को यानी स्क्वायर को ये वन कर दें, तो फिर इस हिसाब से आपके पास जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेरिएबल बनेगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी, और इसको हम कहते हैं क्या है ये, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपका रेंडम वेरिएबल है उसकी मीन होती है जीरो और उसकी वेरियंस होती है क्या, वन, ठीक, मीन जीरो और वेरियंस वन होती है, ठीक है. अब आ जाते हैं कि इस केस में आपके पास, अगर मैं वहां ले जाऊं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर कर्व पर ले जाता हूं, अगर मैं आपको डेसिमोस पर, तो अगर आप डेसिमोस को देखते हैं तो यहां पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी वन है और आपकी मीन अगर जीरो है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ना ये वाला कर्व बन रहा है, ठीक है ना. और ये कर्व किस तरह से बन रहा है, तो इसको आप खुद से भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका f(x) किसके बराबर है, 1 ओवर
स्क्वायर रूट टू पाए सिग्मा ई टू द माइनस वन ओवर टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो आप म्यू की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो, और सिग्मा की जगह वन। तो आपका एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, वन ओवर स्क्वायर रूट टू पाए हो जाएगा ये, क्योंकि ये सिग्मा तो वन है, और ये ई पावर माइनस वन ओवर टू ये सिग्मा वन है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका पीडीएफ ये होगा। यानी अगर एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ रहा है, ई पावर माइनस वन ओवर टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टू पाए, हाँ ठीक है, हाँ आपने अगर म्यू जीरो पुट किया और सिग्मा वन पुट करते हैं अगर आप, तो आपके पास इसके अंदर जीरो पुट कर दें, म्यू की जगह जीरो पुट कर दें, सिग्मा की जगह वन पुट कर दें, तो वहां से आपके पास एफ ऑफ एक्स ये बन जाएगा। ये आपका पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो आपका जो फंक्शन बन जाएगा, इसको सिंपल अगर आप इसको प्लॉट करते हैं बाकी सारी चीजों को छोड़कर, तो आपको वो ग्राफ मिल जाएगा। जैसे लाइक अगर आप सिंपल इसको ही प्लॉट करते हैं, यानी वाई इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट टू पाए और इसके साथ ई टू द माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास नॉर्मली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ आपके पास आ जाएगा। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कैसे आएगी, जब आप इसमें फंक्शन के अंदर म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, और इस केस में आपका म्यू जीरो है, तो फंक्शन में जीरो पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है 0.399 ये आपको मिल जाएगी। तो आप इसको खुद से भी इस प्लॉट को देख सकते हैं, यानी कि आपके पास इस केस में ये आपका जो है 0.399 पर आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका, बाकी आपकी डेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये जीरो पर आपके पास मैक्सिमम 0.399 मिलेगा, बाकी आपके पास जो है दोनों साइड पे 50% 50% डेटा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अब आ जाते हैं कि हमें हम किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ पर। तो हमारा इंटरेस्ट होगा प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना, ठीक है, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करना या किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है वैसे बताएं तो। चले एक काम करते हैं, मैं वैसे भी ये 8 मिनट रह गए, मैं कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी से आगे कल में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी जो आज वाला है ये मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। कम्युलेटिव के अंदर हम जो है वो, हाँ एक मिनट, वी आर एंडिंग हियर, कल इंशाल्लाह कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आगे हम ले जानेंगे इसको। एक छोटी सी मैं जो है ना वर्कशीट बनाकर भेज दूंगा आपको, जिसको आप एक दो दिन तक सॉल्व कर दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की होगी, ठीक है ना, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी से कल हम शुरू करेंगे इसके लिए। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं आप जो मेन बातें जो हमने डिस्कस नहीं की, मैं भी कल से ट्रेवल में था, तो एक तो आपके पास आउटलाइन होगी, वो आउटलाइन मैं आपको भेज दूंगा जो है मेरे पास कल तक इंशाल्लाह। लेकिन उस आउटलाइन को हम आगे चलकर मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स की वो जो आउटपुट होगी, या उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, आगे चलकर डायनामिक होगी, चेंज कर सकते हैं मतलब उसको थोड़ा बहुत। बाकी बुक मैं आप लोगों को आज ही एक सेंड कर देता हूँ, मैं अभी ईमेल कर देता हूँ नीचे बुक, और बुक के अलावा आज की ये जो स्लाइड्स है थोड़ी बहुत ये भी मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी एक आधी वर्कशीट होगी वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें जिसमें ओनली एडमिन जो है वो ऑप्शन रखेंगे, मैं आपको जस्ट जो शेयर करना होगा करता रहूंगा। अगर किसी को कोई रिमार्क या कोई ऐड करना है तो आप बता दें, वरना इंशाल्लाह कल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज से आगे चीजें जो है उनको डिस्कस करेंगे। और क्लास हम इसी टाइम पे रखेंगे जिस पर है। इस वीक में थोड़ा सा मसला इसलिए भी आ रहा है कि जो भी हमारे आईसीटी डिपार्टमेंट वाले सारे वो भी वहां पर है, क्या नाम है आपकी, इन्वेजिलेशन पे, हमारे कोऑर्डिनेटर भी इन्वेजिलेशन पर है, लेकिन वी विल ट्राई कि हम इस वीक में भी कुछ ना कुछ अच्छा कर लें। और ये जो आज हमने काम किया है, दिस इज द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ 6.2 ऑफ आवर बुक, जो हमारी बुक है उसका 6.2 आपने पढ़ना है,
ये जो अभी हम कर रहे हैं ये 6.2 आप पढ़ कर आए, या इस पर हम 6.2 के अंदर ही रहेंगे फिलहाल, कल तक भी तकरीबन हम 6.2 थोड़ा बहुत आगे नीचे चलेंगे। तो चैप्टर 6 जो है दैट्स बेसिकली वी आर नोइंग नाउ, और 5 से भी कुछ चीजें मैंने आपको शुरू में करवाई है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है जी सर। ओके।